for the reason that there has been a change, like quite some changes in the international scenario. So because of that, मैं अभी question type कर रहा हूँ. पहले मैं आप लोगों को दावत दूंगा, और वैसे भी अभी लोगों ने join नहीं किया सब, आप उस question के ऊपर गौर करें, और उसके बाद जो है हम उसी question को आज discuss करते हैं. बिकॉज आप लोगों ने देखा होगा एक trend के पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर में ज्यादातर अब करंट टॉपिक्स आ रहे हैं इंटरनेशनल और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से. तो ये हमारा आज का इशू भी होगा इन व्यू ऑफ द इमर्जिंग अलायंसेस, इमर्जिंग न्यू अलायंसेस among India and other countries. Please evaluate the threats and opportunities for Pakistan. अभी इंडिया के बहुत सारे अलायंसेस बन रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक से. तो राइटर ये कहता है कि इवेल्यूएट करें अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स फॉर पाकिस्तान, कि जो इंडिया के न्यू अलायंसेस बन रहे हैं उनकी वजह से क्या थ्रेट्स और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं. क्वेश्चन क्लियर है आप में सब लोगों को? कोई मैसेज करे सीसीएस कॉर्नर पे जो होस्ट है वो मैसेज करें हमें. एनीवन हु इज एबल टू hear me please. Voice clear. Thank you very much. तो ये आपको सवाल भी समझ आ गया. So kindly इस पे आप थोड़ा time लगाइए अभी बैठ के. We'll wait till 11:30 कि हम इस सवाल को clear करें. इस सवाल पे आप जो लिख सकते हैं वो लिखें, अभी डायरेक्टली टाइप ना करें. पहले सोचें कौन कौन से अलायंस बन रहे हैं इंडिया के, इंडिया का एक वार्ड बन रहा है इंडिया. बाकी सारा मैं बता दूंगा तो गलत हो जाएगा. सुना है कि अभी एक ईस्टर्न एक वेस्टर्न कॉर्ड भी आ रहा है, फिर इंडिया के फ्रांस से माहिदा, इंडिया का यूएस से जो माहिदा है. तो और इसके अलावा इंडिया के और के अलावा जो अलायंसेज नए बने हैं उनके क्या क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, और पाकिस्तान कहाँ फॉल कर रहा है, पाकिस्तान के लिए इसमें क्या थ्रेट्स हैं, क्या कोई नया भी आने वाला हो तो मेरे रिक्वेस्ट है होस्ट से कि वो टाइप कर दीजिएगा क्वेश्चन उनके लिए दोबारा. दैट्स इट. सो आई एम गोइंग टू बी बैक अराउंड 11:30. यू कीप राइटिंग इट, आप टाइप कर लें और चैट बॉक्स में अपने आंसर्स दो. ओके जी.
आपने जाना 10 टाइल चढ़ाओ, 5 चढ़ाओ वहां से आ जाओ, फिर काम में
जी सलाम वालेकुम रेहाना, आपका इस टाइम हैंड रेज्ड है, पहले आप बताइए। जी रेहाना, आपका क्या क्वेश्चन है? मेरा ख्याल है सिवाय साजिदा के किसी ने जवाब नहीं दिया है। यूएसए अनप्रेसिडेंटेड हैफेज़ ऑफ विड्रॉल एंड तालिबान टेक ओवर साउथ एशियन रीजन ऑन द ब्रिंक ऑफ इनस्टेबिलिटी द वॉर। अच्छा, ऑकस इंडियन अलायंस नहीं है साजिदा, मगर आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया। इसमें पाकिस्तान के लिए और थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, वो भी बताइए। बताइए जी, एनीवन एल्स हु कैन कम फॉरवर्ड? सर आए क्या? जी अहमद रजा प्लीज। सर सबसे पहले तो ये है ना कि इंडियन लॉबी की जो यूएसए में एक प्रेजेंस है, तो उसके हिसाब से पाकिस्तान पे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, थ्रेट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान इज करंटली अंडर द ग्रे लिस्ट ऑफ एफएटीएफ, सो एफएटीएफ हाईली इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है यूएस के, उससे हाईली नहीं तो काफ़ी हद तक उनका इन्फ्लुएंस है सर उस पे, एफएटीएफ पे, तो ये दिस कुड लीड टू द सैंक्शन, मोर सैंक्शंस ऑन पाकिस्तान, और ग्रे लिस्ट में हम काफ़ी टाइम से हैं अभी तक। और इसके अलावा दूसरा ये है कि हम अगर ये देखें कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो ज़्यादातर एक दूसरे के, मतलब यूएसए और चाइना की जो ट्रेड वॉर चल रही है इसके बीच में यूएसए ने बहुत सारे लोगों को मिलाया है, बहुत सारे कंट्रीज को मिलाया है, इसमें इंडिया भी है, तो पाकिस्तान एक किस्म का एलॉय है और एक अच्छे बॉन्ड है चाइना के साथ, जिसमें हमारा सीपेक भी कंसिडरेबल है। अब इसमें अपॉर्चुनिटी सर ये है कि वो जो कुछ मिला के अगर चाइना के खिलाफ कर रहे हैं तो पाकिस्तान में कॉम्पिटिटिवनेस आ सकती है सीपेक के हवाले से, कुछ और भी आ सकता है, बट दिस कुड एक्ट एज डबल स्वर्ड की, अगर नहीं हुआ तो पाकिस्तान सैंडविच बन सकता है और दिस कुड लीड सम मोर सैंक्शंस ऑन इट। इसके अलावा हम आईएमएफ का बेल आउट पैकेज लेते हैं सर, एंड दैट इज आल्सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसए, तो वो भी उस तरफ से भी प्रेशर आ सकता है, या बेल आउट पैकेजेस नहीं दिए जा सकते, या फिर मोर हार्श कंडीशंस पे दिए जा सकते हैं, ये भी एक फैक्टर है। दूसरे दफा सर करंटली जो कनाडा के वो हो रहे थे, इलेक्शंस हो रहे थे, वहाँ पे एक सिख पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने काफी ज्यादा वोट लिए, वो भी एक इंडियन इन्फ्लुएंस हो सकता है पाकिस्तान के हवाले से। और यही है सर। अच्छा, आपने किया पाकिस्तान को थ्रेट्स जनरल तो आपने लिख दिए, लेकिन बाकी चीजों को थोड़ा मिक्सअप कर दिया। लेकिन ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो अच्छा मेरा जी जी अहमद रजा, शुक्रिया। अब मैं ऐसा करता हूं कि जो चीज मैं प्रिपेयर करके आया हूं उसको देख लेते हैं, एंड देन वी कैन डिस्कस इट फर्दर। अहमद रजा, पहली दो तीन बातें मैं आपको बता दूं ताकि
करेक्शंस हो जाए सो दैट आप लोग पेपर में वो कमिट ना करें. बट वेरी गुड, वेरी करेजियस आंसर आई वुड से, कि कम से कम इतने सारे लोगों में जब आई एम सॉरी बहुत सारे लोग जो हैं वो चुप होके बैठे हैं, तो आप बोल रहे हैं बाहर आ रहे हैं बहुत सॉरी. ओके सो सबसे अहम जो चीज है वो ये है कि कनाडा में जो सिख पार्टी या जो आई थिंक जगनमीत सिंह नाम है या पता नहीं, वो तो खैर यूके की उसमें, तो जो सिख कनाडा की जो है ना ग्रीन पार्टी उसके जो हेड है उनसे तो इंडिया को ज्यादा खतरा है, बल्कि क्योंकि उनके ऊपर तो खालिस्तानी होने का और खालिस्तान को इन्फ्लुएंस करने का इल्जाम है, या उनके ऊपर तो ये इल्जाम है कि वो जो कनाडा के ऊपर ओवरऑल, ये खास क्योंकि कनाडा में सिख इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो कनाडा को कहा जाता है कि ये इनकरेज करता है इंडिया में सेपरेटिज्म. तो आई डोंट थिंक कि ये एक बात है, लेकिन इंडियन डायस्पोरा जो है वो कनाडा में भी मौजूद है, अमेरिका में भी मौजूद है, यूनाइटेड किंगडम में भी मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, हर जगह. ये एक चीज है. इसके साथ साथ जो ये डायस्पोरा तो पाकिस्तान की भी बड़ी हद तक मौजूद है. जो ज्यादा बड़ा मसला आ रहा है give me 2 minutes. जी आई एम सॉरी आई वाज कॉफिंग लाइक बैडली. ओके सो वो डायस्पोरा तो पाकिस्तान का भी है. अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर लैक कर रहा है पाकिस्तान वो दूसरी चीजें हैं, वो उन पे हम अभी बात कर लेते हैं. इससे पहले हम आते हैं कि अलायंसेस कहाँ कहाँ बन रहे हैं और क्यों क्यों बन रहे हैं. ये इमर्जिंग अलायंसेस की बात शुरू कहाँ से हुई है और ये अलायंसेस की बात शुरू कहां से हुई है और ये क्या कहते हैं क्या है? एक चीज थी जो इंस्पायर कर रही थी इंडिया को या पाकिस्तान को या अमेरिका को कि वो इन चीजों को देखे और रीथिंक करे. बिकॉज हम अब स्टार्ट करते हैं 1990 की कोल्ड वॉर से पहले. जब 1950 की कोल्ड वॉर खत्म हुई तो 1950 से लेके 90 तक 89 में जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो जाता है, कोल्ड वॉर खत्म होती है और 91 में जब सोवियत तो अभी एक चीज आती है कि इंडिया जिस पोल की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड था वो था यूएस का पोल, और इसी वजह से यूएस और यूएस एलाइज और वेस्टर्न कंट्रीज कश्मीर इशू पे बहुत खुल के बातचीत भी करते थे, बोलते भी थे और सारी बातचीत होती थी. अच्छा, इन कंपैरिजन टू इट पाकिस्तान जो है वो यूएस साइड पर ही था. और एक चीज जिसने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की वो था पाकिस्तान और इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम. लेकिन इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम ने इंडिया को
इतना बॉदर नहीं किया, उसकी रीजन ये थी कि इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो सोवियत हेल्प पे था, और इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम से यूएस इसलिए ज्यादा इंपैक्टेड नहीं था या ज्यादा अफ्रेड नहीं था, बिकॉज इंडिया ने न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना 1970s में, बल्कि 60s में स्टार्ट कर दिया था, और 70s में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर भी लिया था। ऑल्दो वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात पे था, और इंडिया ने कहा था कि ये एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है। हाउएवर द वन थिंग दैट वाज क्लियर कि इंडिया भी न्यूक्लियर वेपन्स बाद में बना रहा था पाकिस्तान के अलोंग साइड इंडिया, लेकिन क्योंकि सोवियत ब्लॉक में था तो वेस्ट वैसे ही इंडिया को छोड़कर बैठे हुए थे, उनको कोई ज्यादा टेंशन नहीं। पाकिस्तान एक वेस्टर्न एलाय था। इसके अलावा एक चीज जो और हुई थी वो ये थी कि जो सोवियत अफगान वॉर है उसके अंदर सोवियत यूनियन के अगेंस्ट पाकिस्तान एलाय था वेस्टर्न वर्ल्ड का, पाकिस्तान के पास असलहा भी था, लेकिन सबसे ज्यादा जो kindly go on mute Shakim, hello what is happening in this class, hello can someone put him on mute, okay I think Shaklan is on. Okay, so उस वजह से दूरियां बढ़ना शुरू हुई। उसके बाद पाकिस्तान ने मुजाहिदीन को उस तरह से अबैंडन नहीं किया जिस तरह से यूएस ने किया, और पाकिस्तान की एक अलग पॉलिसी। सो द पॉइंट इज के उसके बाद अमेरिका जो है वो इंडिया के करीब होता है, जबकि इंडिया के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आती हैं, इंडिया ने अपनी मार्केट को ओपन कर देता है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए और डॉलर्स के लिए। तो अब इंडिया जो है उस पे जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स थे उसके करीब हो रहा था। ठीक है, तो दूसरी चीज अब प्लीज बहुत ज्यादा हर्डल है, आई थिंक मैं इसको आपको आधे घंटे में इंशाल्लाह कवर करा के आप लोगों को इस क्वेश्चन के आगे भी देख सकता हूँ, बट आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ डिस्टॉर्शन इन वॉइस, दिस इज जी ओके। सो पहली चीज जिसने पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान और अमेरिका को दूर किया, वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था, और इंडिया वहां से ओपन अप हो रहा था। इंडिया वाज ऑलरेडी अ न्यूक्लियर पावर, हाउएवर इट वाज न्यूक्लियर पावर फॉर पीसफुल पर्पस, और इंडिया एक तरह से आप कह सकते हैं कि उस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं कर सकता था वॉर पर्पस। ठीक है जी, तो अब हम इस बात पे आते हैं कि बाकी चीजें क्या हुई। पाकिस्तान इस दौरान जो है वो चाइना के मुसलसल करीब होता गया, एंड आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट बिल क्लिंटन हैड ब्रॉट इन अमेरिका, चाइना के पास जॉब्स बहुत ज्यादा शिफ्ट होती गई, टेक्नोलॉजी का बूम आ गया। टेक्नोलॉजी बूम आने की वजह से डिजिटल जॉब्स सारी चाइना ट्रांसफर होने लग गई। इसकी तरह से जो हमारा आईफोन और हमारे माइक्रोसॉफ्ट की चिप्स, ये उनकी असेंबलिंग वहां होने लग गई। चाइना हैड बिकम द ग्लोबल फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी, अब यूएसए जब 2000 ऑनवर्ड्स दाखिल होता है तो यूएसए पहले तो अफगानिस्तान की तबाही मचा देता है, और उसके बाद वो इराक की तरफ जाता है। एक दफा इराक को वो तबाह कर चुके हैं गल्फ वॉर के अंदर, मगर दूसरी दफा वो इराक को दोबारा
तबाह करने की तरफ पक्के पक्के माइल हैं। तो उस चीज के लिए वो पाकिस्तान एक बड़ा इत्तेहादी बन जाता है, पाकिस्तान के गुनाह बहुत सारे हद तक धुल जाते हैं फॉर सम टाइम। पाकिस्तान के गुनाह जब बहुत हद तक धुल जाते हैं तो लेकिन अब अफगान वॉर दोबारा होती है, पाकिस्तान के ऊपर डबल गेम का इल्जाम लगाता है अमरीका, अपनी बहुत सारी नाकामियों को भी पाकिस्तान के ऊपर रखकर बात करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, यूएसए को सबसे बड़ा कंसर्न चाइना है। आप ये देखें कि यूएसए ने यूएसएसआर को बिल्कुल खत्म कर दिया, मगर एक पावर है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और जो यूएसए की जो डोमिनेंस है उसको थ्रेटन कर रही है, एटलीस्ट इकोनॉमिक डोमिनेंस को, क्योंकि इस बात में तो कोई शक नहीं कि यूएसए मिलिटरली आज भी एक सुपर पावर है और अनपैरेलल्ड है इन कंपैरिजन टू एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग चाइना, ठीक है। बट देयर इज वन एरिया वेयर चाइना इज अ बिग थ्रेट टू यूएसए एंड दैट एरिया इज इकोनॉमी, ट्रेड। यूएसए का एक ह्यूज सरप्लस है, ह्यूज डेफिसिट है चाइना के अगेंस्ट, और ये सिर्फ यूएसए की कहानी नहीं है, दुनिया के ज्यादातर ममालिक का बे इंतहा ट्रेड सरप्लस है चाइना के अगेंस्ट। चले पाकिस्तान तो चाइना के ऊपर काफी हद तक डिपेंडेंट है, मगर इसके बावजूद और बहुत से ममालिक हैं जिनका ट्रेड डेफिसिट है चाइना के अगेंस्ट, और यूएसए का तो $400 बिलियन एनुअल का है। बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड, अब होता यह है कि फ्रॉम अनदर सिस्टम, आर यू एबल टू हियर मी? ओके थैंक यू। अच्छा जी, तो यूएसए ने अब फ्लाइट पकड़नी है वापसी के लिए और पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम है कि पाकिस्तान डबल गेम कर। इसके अलावा आगे जब हम बढ़ते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि यूएसए को अब चाइना को काउंटर करने के लिए रीजन में एक स्ट्रॉन्ग एलाय चाहिए। अनफॉर्चुनेटली फॉर यूएसए, जापान उस स्पेस को फिल नहीं कर सकता। उसका रीजन दो है, एक ये कि जापान की कंटिग्विटी नहीं है या प्रॉक्सिमिटी नहीं है चाइना से उस तरह से कि जापान और चाइना एडजेसेंट कंट्रीज हों, जापान जो है वो दूर है। दूसरी चीज है कि जापान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो पीसफुल पर्पस और आर्मी को बिल्ड करना और एक हद से ज्यादा डिफेंस कैपेबिलिटीज को बहुत ज्यादा इंकरेज नहीं किया जाता। तो यूएसए, अब ऑस्ट्रेलिया एक और ऑप्शन है लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर है, और एक और चीज, ऑस्ट्रेलिया की इंपोर्ट्स जो एक्सपोर्ट्स का 40-50% सिर्फ चाइना से आता है। जितना ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करता है और खासकर उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स और बाकी नेचुरल प्रोडक्ट्स वो चाइना को एक्सपोर्ट करता है, चाइना के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की रिलायंस बहुत ज्यादा है। तो एक चीज, एक और जो एलिमेंट, एक और जो प्लेयर अमेरिका देखता है वो फिर है इंडिया। इंडिया वो प्लेयर है कि जो जिसको अमेरिका जो है वो हवा भर के और सपोर्ट दे के, टेक्नोलॉजी और वेपनरी की सपोर्ट दे के वो ऊपर ला सकता है, ये अमेरिका की सोच। हाउएवर India is far behind in terms of economy, in terms of GDP per capita, in terms of defense, in terms of other things. So, America ko ab upar lana hai. Ek cheez aur matnazar rakhein ki kuch alliances to aapne country ke alliances aapne dekh liye. Aur lekin kuch alliances aur hain un organizations mein entry jo ki America aur uske ittehadiyon ne sirf America ke laadle hone ki wajah se India ko dilai. उनकी तरफ आते हैं। सबसे पहले तो 2007-08 ऑनवर्ड्स जो है वो सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात हुई, और 2009 में गालिबन 8 से ऑनवर्ड्स, ये 8 में जो है वो सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने की बात हुई अमेरिका और इंडिया के दरमियान।
सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में ये है कि इंडिया की एनर्जी डिमांड, एनर्जी एपेटाइट बहुत ज्यादा है, तो जी हम इंडिया को जो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर पीसफुल पर्पस प्रोवाइड करेंगे, ईरान को बनाने नहीं देंगे लेकिन इंडिया को प्रोवाइड करेंगे। ये होती है बदमाशी कि जिसको हम कहते हैं बस वैसा होना चाहिए। तो उन्होंने फिर अब वो मुआहिदा होता है जो एक फेमस मुआहिदा है जिसके ऊपर ऑल दो इंडिया में भी काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है, मगर एक्चुअली वो मुआहिदा सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं है, वो एक तरह से इंडिया के लिए ओपन करता है एवेन्यूज इनटू द वर्ल्ड ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रेड विदाउट बीइंग अ सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अनलाइक पाकिस्तान, इंडिया के ऊपर अभी तक कोई इल्जाम भी नहीं है कि उसने प्रोलिफरेशन में मदद की है, लेकिन साथ साथ इंडिया की हट धर्मी भी है कि उसने एनपीटी साइन नहीं किए हुए। इन तमाम चीजों के साथ साथ फिर अब इंडिया को एक कंडीशन पे कि जी आप हमें इंस्पेक्शन करने देंगे अपनी अपने न्यूक्लियर साइट्स की कि आप उस टेक्नोलॉजी को डिफेंस पर्पस के लिए तो नहीं यूज कर रहे या कोई और चीज, तो हम आपको फिर ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं। इंडिया में भी बहुत शोर होता है बिकॉज इंडिया कहता है हम स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी तरफ जाते हैं, ऑल्दो वो हिलते भी नहीं है बगैर अमेरिका के सलाम दुआ के आजकल, बट स्टिल वो चीज होती है एंड दैट ओपन्स इंडियाज एंट्री इनटू अ लॉट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप्स। उन तीन ग्रुप्स को आप लोगों को अभी मैं बताता हूँ। वन इज मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR, दूसरा ग्रुप है वासेनार ग्रुप और तीसरा ग्रुप है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। ये तीन ग्रुप्स को भी आपने गूगल करना है, मैं आपको लिख देता हूँ लेकिन अभी नहीं, अभी हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये तीन ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक वेपन्स के लिहाज से, ठीक है जी। उसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं, तो लेट मी टाइप इट फॉर यू सो दैट वासेनार ग्रुप MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, तीनों को भी आप लोग बाद में गूगल कीजिए, अभी रुक जाइए वो तो मैं आपको बता दीजिए। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, अब चाइना का सबसे जो अमेरिका को सबसे बड़ा थ्रेट है चाइना से आजकल, वो ट्रेड के बाद सबसे बड़ा थ्रेट है स्ट्रेटेजिक लोकेशंस की ऑक्यूपेशन या स्ट्रेटेजिक लोकेशंस जो के पैसिफिक ओशन में है। पैसिफिक ओशन में एक तो हमें लगता है ना कि अमेरिका जो है वो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के दरमियान एक दीवार है और पैसिफिक ओशन में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं और जापान है ईस्ट एशिया, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रेजेंस यूएस की है। यूएस के ने बहुत सारे जिनको यूएस टेरिटरीज कहते हैं छोटे छोटे आइलैंड्स पे कब्जा किया हुआ है और ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद से वो कब्जा नहीं छुड़ाया है। उसकी वजह से क्या होता है, उन आइलैंड्स पे यूएस सॉवरेनिटी की होने की वजह से, जी हेलो वालेकुम सलाम सकते हैं, आइलैंड्स पे यूएस की टेरिटरी होने की वजह से वो आइलैंड्स के ऊपर यूएस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट्स हैं। वहां पे वो ड्रिलिंग कर सकते हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, गैस एक्सप्लोरेशन, मिनरल एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। इसी तरह से साउथ चाइना सी का जो इलाका है वो भी बहुत ज्यादा रिच है मिनरल रिसोर्सेज में, ऑयल में भी कहा जाता है, और फिर वो एक ट्रेड राउट भी है, दुनिया का पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर ट्रेड राउट है और 1/3 ऑफ द टोटल ट्रेड इन द वर्ल्ड वहीं से होके गुजरती है। ट्रेड राउट शिप्स जो है उसी रीजन से होके गुजरते। चाइना को उतना ही खतरा है कि यूएस जो है वो इतना ह्यूज कैपेबिलिटी रखता है और यूएस की प्रेजेंस हर जगह मौजूद है। यूएस की प्रेजेंस मौजूद होने की वजह से अब यूएस जहां चाहे हमारा रास्ता रोक सकता है। तो चाइना इसलिए अब धड़ाधड़ आइलैंड्स बनाता जा रहा है जो कि वो आर्टिफिशियली एक तरह से बना रहे, फिलिंग से बना रहा है। इसके साथ साथ चाइना यूएस जो एलाइज हैं, मैं अहमद रजा आपका क्वेश्चन लेता हूँ, यूएस जो एलाइज हैं उनकी उनकी जो नेविगेशन है उसको भी लिमिट करता है कि जी आप ये
जापान अपना जहाज यहाँ से मत लाना, या ये मेरी टेरिटरी है. ऑफ कोर्स इंटरनेशनल लॉ के जितना अलाउ करता है चाइना को, उससे ज्यादा इस टाइम साउथ चाइना सी का एरिया चाइना ने कैप्चर किया हुआ है. लेकिन इसके साथ साथ जो यूएस है उसकी भी तो बदमाशी, आप देखिए कि जहां दिल किया उस आइलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया और फिर अब वहां पे नेविगेशन राइट्स के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स रखता है. तो इसकी वजह से फिर चाइना को पंप करना शुरू किया, सॉरी चाइना के अगेंस्ट इंडिया को पंप करना स्टार्ट किया और फिर एक रीजन बनाया, एक रीजनल अलायंस बनाया जिसको कहते हैं क्वाड, जो कि है क्वाड्रिलैटरल अलायंस, जो कि एक तरह से चाइना की डोमिनेंस और चाइना की हेजेमोनिक, बकौल उनके चाइना के हेजेमोनिक एस्पिरेशंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन. चाइना उसको एशिया पैसिफिक कहता है क्योंकि एशिया से मुराद आमतौर पे होती है चाइनीज बैकग्राउंड की जगह. आमतौर पे जब एशियन रेस बोलते हैं तो आप देखें कि चाइनीज और साउथ ईस्ट एशियंस को, हम लोगों को तो मिडिल ईस्टर्न या इंडियंस बोल दिया जाता है या साउथ एशियंस बोल दिया जाता है, लेकिन खाली एशियंस बोल, लेकिन उसके मुकाबले में इंडिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए इसको इंडो पैसिफिक रीजन के, कि चाइना की इंपॉर्टेंस कम हो. और ये मैं जुमला नहीं बोल रहा, ये रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोफ ने खुद बोला कि ये जो इंडो पैसिफिक की टर्म है ये हॉस्टाइल टू चाइना टर्म है, असल में एशिया पैसिफिक है और रशिया एशिया पैसिफिक को ही मानता. मूविंग फॉरवर्ड, उसको काउंटर करने के लिए क्वाड्रिलैटरल अलायंस बनाया जिसको क्वाड कहते हैं, जिसके अंदर चार ममालिक थे. चाइना के अगेंस्ट ये अलायंस था, ऑल्दो कहते ही हैं कि ये मिलिट्री अलायंस नहीं है, तो इसको नेटो लाइक अलायंस नहीं कहते. आई थिंक मिसाजदा ने लिखा ऑफिशियली इसको नेटो लाइक अलायंस नहीं कहते, क्योंकि नेटो के अंदर तो एक मुल्क दूसरे मुल्क के दिफा के लिए आएगा और सारे मुल्क मिलके भी जंग लड़ेंगे अगर एक के ऊपर हमला हो. यहाँ पर ऐसा नहीं, इंडिया के ऊपर हमला हो तो यूएसए ने आज भी कोई गारंटी नहीं दी है कि यूएसए उसका उस तरह दिफा करेगा जैसे जापान का करने का वादा है. अच्छा, अब इस अलायंस के अंदर चार ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका. और मकसद क्या है? चाइना. तो मूविंग फॉरवर्ड, हम अभी आप लोगों को मैंने ये तीन चीजें लिख के दी और चौथी चीज में एक और लिख के दे रहा हूं, वो है UNCLOS, UNICLOS, बल्कि UNICL, ये United Nations International Convention on the Law of Sea है. इसको भी आप लोगों ने अभी Google करना है, ये चार चीजों को अभी Google करें. And I'll take a 5-7 minutes break for water and then we can resume. इससे पहले मैं अहमद रजा का सवाल, अहमद रजा साउथ चाइना सी में, तो सर जो चाइनीज प्रेजेंस है वो इस वजह से भी नहीं हो सकती सर, क्योंकि चाइना की जो ट्रेड है काफी ज्यादा वो इस तरफ से आती है, खासकर 80% ऑफ द फ्यूल जो वो आता है इस तरफ से, जो हमारे जो रीजन्स हैं जैसे मिडल ईस्ट है या फिर ये जो गल्फ कंट्रीज हैं. जी, आपका सवाल चाहिए, आप पहले यूनिक्लॉस पढ़ें और फिर जब हम वापस आते हैं तो मैं सवाल का जवाब देता हूं. मेरी एक रिक्वेस्ट है, काइंडली म्यूट रखें सब लोग अपने आप को. सकलेन साहब आप फिर ऑफ म्यूट हैं और इसकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही. So when I'm back, I will request everyone to go on mute and raise their hand, जैसे अहमद रजा ने किया. This is a huge disturbance in the class. Please Google Wassenaar Group, MTCR, Australia Group and UNICLOS. और क्लास के लिए कोई भी volunteer करके इनकी basic जो information है उसको यहाँ पर copy paste भी करें. Thank you. We'll meet at 12:10. Kindly students, अपने माइक म्यूट रखें. अगर सर आपको माइक म्यूट करने का कह रहे हैं तो अपने माइक म्यूट रखें, अदरवाइज आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा.
सकलैन, इट्स द सेकंड टाइम दैट वी आर टेलिंग यू टू म्यूट योर माइक. अगर आपने दोबारा अपना माइक अनम्यूट किया तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा. अगर कोई क्वेश्चन है, रेज योर हैंड, आस्क योर क्वेश्चन, देन म्यूट योर माइक. काइंडली फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस. यूनियन क्लॉज के ये जो लॉ है जो क्या बोलता है ये बताइए, अबाउट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और टेरिटोरियल वाटर्स, वो लिखे हैं अहमद रजा? यस सर, लिखूं? बताऊं सर या लिखूं?
वेरी गुड. इसी तरह से अब वॉसेनार ऑस्ट्रेलिया और एमटीसीआर के बारे में कोई और बताएं. सारा कुछ अहमद रजानी ने जवाब देना. रिजवान सुमरो, साजदा, मरियम, कोमल, सकलैन, नुमरा, शाह आलम, रेहाना, निदा, अरसलान, जागे भाई आप तमाम लोग भी. इजाज सर, इस रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है सर. जी जी करना सर. यूनिकोलस के मुताबिक अगर आपके पोर्ट्स या बीचेस हैं 200 नॉटिकल माइल्स तक तो वो आपकी टेरिटरी कंसीडर होती है. मगर सर व्हाट अबाउट द आइलैंड्स जो के उधर होते हैं और फिर उनके हिसाब से अगर यूनिकोलस के हिसाब से कि अगर वहां पे कोई आइलैंड है तो फिर वहां से भी 200 नॉटिकल माइल्स तक कंसीडर होता है. बट सर उनके थोड़े से लॉज डिफरेंट हैं कि अगर उसको रॉक कंसीडर किया जाएगा या आइलैंड कंसीडर किया जाएगा उसके हिसाब से सर बता दीजिए प्लीज. जी ठीक है. पहली तो बात है कि यूनिक्लॉस, यू शुड कॉल इट यूनिक्लॉस. अच्छा जी, बात पोर्ट्स और बीचेस की नहीं है असल में. बात यह है कि आपके लैंड से 200 नॉटिकल माइल्स दूर जितना एरिया है वो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है. एंड आई थिंक 20 माइल्स तक तो आपकी टेरिटरी है जिसको हम क्या कहते हैं कि आप यानी सरहद यानी बहरी सरहद के अंदर आ गया, यानी पाकिस्तान के पानियों में. जैसे मछेरे आ जाते हैं इंडिया के पाकिस्तान वाली साइड पे या पाकिस्तान की इंडिया वाली साइड, जहां पर आपकी खुश्की खत्म हो रही है और समंदर शुरू हो रहा है, उस मुल्क की खुश्की से लेके समंदर के 200 नॉटिकल माइल्स तक उसका इलाका है. अब चाहे वो आइलैंड हो, चाहे वो पूरा एक बरे आजम हो, चाहे वो पेनिनसुला हो, चाहे वो 1000 मीटर का, 1 किलोमीटर का भी एक आइलैंड है ना, तो उसके इर्द गिर्द का 200 नॉटिकल माइल्स उसका, जिसके जो मुल्क उसको होल्ड करता होगा वो 200 नॉटिकल माइल्स के गिर्द जितना एरिया है. अब 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया का मतलब है 200 का स्क्वायर इंटू पाई, पाई आर स्क्वायर होता है ना एरिया. तो ये तमाम एरिया उस मुल्क का इकोनॉमिक जोन बन जाता है. जैसे पाकिस्तान के पास बंडोल आइलैंड्स है, आपने नाम सुना होगा, जैसे सिंध वाले एरिया, तो उस आइलैंड के इर्द गिर्द का 200 नॉटिकल माइल का एरिया में इंडिया नहीं आ सकता. आ सकता है लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता वहां, मिनरल एक्सप्लोरेशन, इसी तरह से तेल और गैस की कोई एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकता. चाइना यही तो काम कर रहा है कि जो स्पार्कले और पैरासेल आइलैंड्स है उनके ऊपर अपनी सॉवरेनिटी एग्जर्ट कर रहा है और कह रहा है कि उनके ये मेरे आइलैंड्स हैं तो इसके इर्द गिर्द का जो पानी है वो भी मेरा है, तो फिर अब आप मेरी मुझे यहाँ पे आने से नहीं रोक सकते, यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते. इसके दाएं बाएं जो 20 माइल नॉटिकल माइल्स का एरिया है वो मेरी टेरिटरी है और टेरिटरी में तो विदाउट परमिशन आ भी नहीं सकते. और इसीलिए अब चाइना कुछ जगहों पर खुद बना रहा है आइलैंड्स, बाकायदा मट्टी भर भर के, हजारों टन रेत भर के. यूएस के पास पहली बहुत सारी जो है वो टेरिटरीज हैं, जैसे गुआम हो गया या और बहुत सारे एरियाज हो गए. तो यूएस को पैसिफिक में इतने ज्यादा मसला नहीं है, लेकिन चाइना को ज्यादा मसला है क्योंकि चाइना की रिलायंस ज्यादा है. चाइना यूएस एक तरह से दोनों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, तो एक जगह से अगर उसकी सप्लाई बंद भी होती है तो वो अटलांटिक एरिया से कर लेगा. चाइना के पास ये एडवांटेज नहीं है. जी अहमद आपका सवाल है, आप पहले ये बताइए आपको क्लियर हो गया. जी सर मुझे क्लियर हो गया. पर सर ये जो साउथ चाइना सी है जिसमें ये जो इस यूनाइटेड नेशंस की इस पे सर 5 से ज्यादा कंट्रीज इस पे अपना होल्ड रखती हैं, वो कहती हैं कि ये मेरी टेरिटरीज में आते हैं, तो सर उनके मुताबिक वो जो जो लॉजिक देते हैं वो इस यूनिक उसका देते हैं. पर सर चाइना वांट्स के ये पहले से हमारे एरियाज में है, तो सर उनके मुताबिक चाइना यूनाइटेड नेशंस के कुछ झोल भी हैं कि वो कहते हैं कि अगर उस पे कोई जैसे आइलैंड्स हैं, अगर उस पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, फॉर एन एग्जांपल वहाँ पे पानी वगैरह नहीं है या फिर
कुछ रह नहीं रहे तो फिर वो उसको आइलैंड कंसिडर नहीं किया जाता, उसको एक रॉक ही कंसिडर किया जाता है और उसकी वजह से एक्सटेंड नहीं हो सकता। पर सर बहुत सारे ऐसे हैं जिस पे एक्सटेंड भी लोग भी रहते हैं, पानी वगैरह भी है पर लोग नहीं रहते और उसको स्टिल रॉक कंसिडर किया जाता है और फिर टेरिटरी बढ़ाई नहीं जाती। तो इस वजह से इनके जो जो एक डिस्प्यूट है वो थोड़ा सा सर बता दीजिए इस बारे में। ले सक लेन आप फिर ऑफ म्यूट हो गए तो म्यूट पे जाएं खुदा का वास्ता। देखिए अहमद रजा चीज बहुत क्लियर है, जो आइलैंड जिसके ऊपर सॉवरेनिटी जिस मुल्क की अजर्ट हो गई है वो आइलैंड उसी मुल्क का है। अगर वो इनहैबिटेड है तो उसके बाद का एरिया वो लैंड काउंट करती है। अब यूनाइटेड नेशंस का एक हद से ज्यादा है नहीं, अगर झोल है तो झोल को दूर कर रहा है ना। चाइना उसके मुकाबले में एक 9-line लेकर आता है। अभी हम ये डिस्कशन में नहीं है कि चाइना सही है या यूनिक लॉ सही है या गलत है, आप डायरेक्शन को किसी और तरफ आप डिस्कशन को किसी और डायरेक्शन में ले गए हैं कि यूनिक लॉस क्या कह रहा है। ये भाई यूनिक लॉस कह रहा है या नहीं कह रहा है, ये यूनिक लॉस के जो झोल है, हम तो अभी यूएस को जो फिक्र लगी हुई है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और यूएस को फिक्र यही है कि चाइना टेरिटोरियल क्लेम्स रखता है बहुत सारे एरियाज पे। आपने कहा 5 ममालिक, बिल्कुल ऐसे ही है, फिलीपींस के हैं, मलेशिया के क्लेम्स हैं, वियतनाम के हैं, चाइना के हैं और ब्रुनाई के हैं। लेकिन वो क्लेम्स रखने की क्या वजह है? वो वजह तो यही है ना कि जो भी क्लेम रखेगा, चाहे भाई मैं लॉ से कंसिस्टेंट बात कर रहा हूं नहीं कर रहा, चाहे मैं इसको इन्फोर्स करा सकता हूं नहीं करा सकता, मैंने फड्डा तो डाल दिया ना। अब ये होगा कि कोई इसके ऊपर क्लेम रखेगा तो मैं जाके उससे जंग और लड़ाई तो कर ही सकता हूँ इन्हें। तो ये बात इस वजह यूएस को कंसर्न ये है कि यूएस की जो इत्तेहादी हैं, अब आप देखें वियतनाम में यूएस ने कोई 11 जंग लड़ी और इतनी मार कुटाई की, अब वियतनाम यूएस का सबसे बड़ा इत्तेहादी बन चुका है इस रीजन में। जो फिकर है या जो साउथ चाइना सी का प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम मैंने आपको बयान कर दिया, उसमें जो झोल है उसका हमने कुछ नहीं करना। हम इंटरनेशनल लॉ नहीं पढ़ रहे यहाँ पे, हम पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और वो भी फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव। जी वासेनार ग्रुप क्या है जी? वेरी गुड। के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कन्वेंशनल वेपन एंड टेक्नोलॉजीज, यानी जितनी इंफॉर्मेशन है वो आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। ये मुल्क ओपनली शेयर करते हैं क्योंकि एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं कि हम हमारी इंफॉर्मेशन दूसरा मुल्क इस्तेमाल नहीं करेगा हमारे खिलाफ या हमारे एलाइज के लिए। वासेनार ग्रुप। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बताए कोई? सबसे पहले तो MTCR जरा बताएं। MTCR क्या? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। वेरी गुड फरजाद, आपने पार्सिमोनियसली लिख तो दिया है, सही है। अब ऑस्ट्रेलिया ग्रुप क्या है? ठीक है फरजाद, थैंक यू। स्प्रेड ऑफ मिसाइल्स एंड क्लियर टेक्नोलॉजी। जी ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही है, ये तीन ग्रुप्स या तीन
रिजीम मैंने आपको बता दिया, राइट टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वासेना ग्रुप, और मैंने नहीं बताई फॉर अ पर्पस, मैंने आप लोगों को कहा कि आप इसे सर्च करें। एक चीज जो मैं बार बार इंकरेज करूंगा आपको करने के लिए वो यही है कि आप लोगों को बात समझनी पड़ेगी कि जितना भी आप लोगों की तैयारी है ना, वो लेक्चर सिर्फ उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप लोगों को एक्चुअली प्रेपरेशन खुद करनी है। आप लोगों को किताबें खोलनी है, अखबार पढ़ना है, हर कोई मेरे से पूछे कौन सी किताब पढ़े तो 20 दफा भी पूछेंगे, 20 दफा मैंने यही बताना है कि प्री पार्टीशन हिस्ट्री के लिए कोई एक किताब ले लें, जैसे मैंने जनाब करंट सॉरी कारवान पब्लिशर्स की बुक ली थी। इसके अलावा आपको बाकी अखबारात पढ़ने हैं, डॉन पढ़िए, इंटरनेशनल न्यूज़ को देखते रहिए, यूट्यूब चैनल्स को ज्वाइन कीजिए, और साथ साथ जो टॉपिक आ रहा है आप उसको गूगल करें, उसके ऊपर डिटेल में आर्टिकल्स पर जाके पढ़ें, और ये चीज़ अहम है। अब आप देख लें कि मैंने आप लोगों को आजकल का मोस्ट करंट अफेयर बताया कि आप इसको पढ़ें और हमें बताएं, आप देख लीजिए कि कितने लोगों ने के पास इतना कॉन्फिडेंस है कि वो उसको आंसर करें, सिर्फ 2 या 3 लोग। सो दिस टेल्स यू अबाउट द प्रेपरेशन स्टेटस ऑफ योर्स एंड दिस इज एक्चुअली क्वाइट वरिसम। अभी 3 ग्रुप आप लोगों को, 3 ग्रुप और एक लॉ मैंने कहा कि आप इसको चेक करें कितने लोगों को आता था, बहुत कम लोगों को, लेकिन जब आप लोगों ने गूगल पे भी सर्च किया तो एक के बाद दूसरे की हिम्मत नहीं हो रही है उसको करने की। सो दिस टेल्स दैट वी नीड फर्दर कॉन्फिडेंस इनटू फॉर गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द थिंग्स। एंड ऑफ कोर्स मैं आपको क्लियरली बता देता या इन द पासिंग MTCR और वासेनार और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बता देता, आप लोगों ने जल्दी जल्दी से उसको सुन तो लेना था, लेकिन आप लोगों के दिमाग में ये बात कभी भी नहीं आ रही, इतना स्ट्रेस। अब हम यूएस और इंडिया की जो मिसाइल कह रहे न्यूक्लियर वेपन्स जो टेक्निक है या न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की जो टेक्निक है या सॉरी जो मुआहिदा उसकी तरफ आते हैं, तो उस मुआहिदे की तरफ अगर हम आए तो आप देखें कि उसके बाद यूएस ने एनपीटी का सिग्नेटरी ना होने के बावजूद क्या किया कि इंडिया को पाकिस्तान के एतराजात के बावजूद बना दिया अपना पार्टनर सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। और उसके बाद अगली चीज ये की कि MTCR के अंदर भी एंटर करा दिया कि आमतौर पे न्यूक्लियर वेपन्स अगर किसी ने लॉन्च करने हैं तो कैसे करने हैं, आजकल जहाजों के थ्रू तो बड़ा मुश्किल है, और खासकर पाकिस्तान के केस में तो जहाज से ज्यादा बड़ा होगा कि मिसाइल्स को आप कर दें, उसके अंदर तो कोई नुकसान भी नहीं होगा और जो पेलोड है वो भी डिलीवर हो जाएगा। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान के को सबसे ज्यादा खतरा किस मुल्क से, इंडिया से, और इंडिया को मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का मेंबर बना दिया गया है। अब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम क्या है, मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर जितनी एडवांसमेंट हो रही है, जितनी नॉलेज शेयरिंग है, जितना मॉडर्नाइजेशन है, वो पकड़ के पाकिस्तान इंडिया जो है वो उसका प्रिवी बन गया। और इंडिया ने ये भी साइन नहीं की कि इंडिया जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स की प्रोलिफरेशन नहीं करेगा। सो इंडिया को विन विन एक जो है वो दिया जा रही है सिचुएशन। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जो है वो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के अगेंस्ट बात करता है। वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के अंदर बायो वेपन्स आ सकते हैं, केमिकल वेपन्स आ सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स आ सकते हैं, कि इन वेपन्स को कंट्रोल कैसे करना है। इसी तरह वासेनार ग्रुप जो है वो कन्वेंशनल वेपन्स और उनकी टेक्नोलॉजीज, तो ये बड़े बड़े मुल्कों की कुछ कोलिजियम है जो कि इन मुल्कों की पॉलिटिक्स और को रिप्रेजेंट करते हैं और टेक्नोलॉजी को दूसरे मुल्कों तक ट्रांसफर करने से रोक, सही है जी। सो टेक्नोलॉजी को दूसरे मुल्कों में ट्रांसफर करने से रोकने की वजह से अब क्या है कि कुछ ममालिक की एक तरह से हेजमनी डोमिनेंस बन चुकी है
इन चीजों पे, और इंडिया को अब उस डोमिनेंस के अंदर इंडिया को इस डोमिनेंस के अंदर शामिल किया जा रहा है। अच्छा, अब एक तो कॉर्ड का इतिहास मैंने आपको बता दिया, उस चक्कर में इंडिया के साथ जो है वो इंडिया के साथ मिलिट्री अलायंसेस तो बनाए जा रहे, मिलिट्री अलायंस तो नहीं कहना चाहिए, मिलिट्री ड्रिल्स और एक्सरसाइजेस की जा रही, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और हो गई है, वो ये है कि एक कॉर्ड जो है वो अब रिसेंटली बना दिया गया है वेस्ट में, और उस कॉर्ड ऑल्दो उसको अभी कॉर्ड का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन वो कॉर्ड भी लेटरल समिट ही हो रहा है, वो है अमेरिका, इजराइल, यूएई और इंडिया। अगेन अमेरिका अब मिडिल ईस्ट में अपना इंटरेस्ट लूज करता जा रहा है, अमेरिका का इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट के अंदर कम से कम होता जा रहा है। उसकी वजह ये नहीं है कि अमेरिका अब मुकम्मल तौर पर भागना चाहता है। एक सेकेंड, सक्लेन ने लिखा है ऑल स्टेट्स पार्टिसिपेटिंग इन द ऑस्ट्रेलिया ग्रुप आर पार्टीज टू केमिकल वेपन्स। जी जी, ये मैंने बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा जी, तो अमेरिका के प्राइमरी तीन इंटरेस्ट थे मिडिल ईस्ट में आने के। पहला इंटरेस्ट था अपने इकोनॉमिक जो एम्स हैं और इंटरेस्ट हैं उनको सेफगार्ड कर, खासकर ऑयल, क्योंकि अमेरिका आज भी ऑयल का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है लेकिन स्टिल से ऑयल इंपोर्ट करना। दूसरा था कि इजराइल को प्रोटेक्ट करना ताकि अमेरिका अपने इंटरेस्ट इजराइल के थ्रू और जो इजराइल की लॉबी के इंटरेस्ट हैं इजराइल की प्रोटेक्शन करना। तीसरा प्रेजेंस का मकसद था कि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को कर्टेल करना, जो कि मिडिल ईस्ट में और यहाँ तक कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में फैल रहा है। 9/11 होती है तो 9/11 के बाद अमेरिका अफगानिस्तान का बिल्कुल अफगानिस्तान के ऊपर जो रिजीम है तालिबान की उसके ऊपर हमलावर होता है, उसको ख़त्म कर देता है और अफगानिस्तान मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाता है जंग के जरिए। इराक के साथ भी यही होता है, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता अलकायदा का जो थ्रेट है उसामा बिन लादेन के बाद से वो बहुत ज़्यादा डिमिनिश हो गया है, और वो थ्रेट डिमिनिश हो गया है और मिडिल ईस्ट से वो अलकायदा मूव कर गई है अफ्रीका रीजन में। दो रीजन्स हैं, अफ्रीकन साहेल रीजन और जिसके अंदर जो है आपका रीजन आ जाता है माली और बाकी चीजें, बाकी इसके अलावा इवन नाइजेरिया जहाँ पे बोको हराम है, इस रीजन की तरफ जो है वो आईएसआईएस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, अलकायदा वहां जाती है और अलकायदा डिसॉल्व एक तरह से हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, और आईएसआईएस और अलकायदा के दरमियान फर्क खत्म होता जा रहा है। इसी तरह से दूसरी मूवमेंट जो है वो अब जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पर जो एक रेडिकल गवर्नमेंट्स थी जो कि थोड़ा ज्यादा मजहब की तरफ, खासकर जिनका जो सरबराह थे वो सऊदी गवर्नमेंट है थी, वो भी अब सऊदी गवर्नमेंट के अंदर अपनी कुछ रिव्यू हो रही है पॉलिसीज, जिसकी वजह से अब सऊदीया भी उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पा रहा। सऊदीया को तो खुद अब इन इस्लामिस्ट मूवमेंट से बहुत ज्यादा थ्रेट है, सऊदीया मुस्लिम ब्रदरहुड को और हमास को और हिजबुल्ला को सबसे बड़ा थ्रेट मानता है आफ्टर ईरान। तो अब इस्लामिक फंडामेंटलिज्म या सॉरी इस्लामिस्ट फंडामेंटलिज्म जो है उसका थ्रेट इस लिहाज से कम हो गया कि उसके पास पैसे नहीं है। अब स्टैंड अलोन एक्टिविटीज होती हैं, कहीं यूरोप में न्यू ईयर पार्टी पे कहीं हमला हो जाता है या ईस्टर पे बॉम्बिंग्स हो जाती हैं श्रीलंका में या किसी और मुल्क में, अलकायदा टाइप की जो एक्टिविटीज है वो स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन उससे अमेरिकन हेजमनी को कोई खतरा नहीं, क्योंकि अमेरिका अब बहुत हद तक अश्योर्ड है कि अब इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट इस काबिल नहीं रहे हैं कि वो जाके अमेरिका में कोई बहुत बड़ा हमला कर सकते हैं, ठीक है। और अब तालिबान की गवर्नमेंट भी जब आई है तो जो दोहा अकॉर्ड्स हैं उसके अंदर तालिबान से भी उन्होंने ये गारंटी ले ली, सर लो स्टेट्स परसू अमेरिका एंड इंक्लूडिंग लो स्टेट्स टू टेक अ गुड हैंड ऑन टू हाई स्टेट्स लाइक अमेरिका। ये मुझे सवाल नहीं समझ आया क्लैन साहब, ये थोड़ा इसको आप दोबारा से लिख दें या उर्दू
में लिख दें, रोमन में शायद हम उसको ज्यादा क्लियर देख पाए। अच्छा जी, तो आखिरी इंटरेस्ट मैंने आपको इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को बताया कि वो अब कम हो रहा है। अलकायदा तो बड़ी हद तक टूट फूट का शिकार है, लेकिन आईएसआईएस जो सीरिया और इराक के एरियाज में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, अब वो जाकर जो है डाइल्यूट हो रही है और वो किसी स्टेट या उसका कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं रह गया या उसका कोई कैपिटल नहीं रह गया या रक्का नहीं ये वाला इलाका या तिक्रीत का इलाका अब नहीं रहा है, बल्कि आईएसआईएस अब हर जगह से फैल गई है। और ऑल्दो फैलने के नुकसान ये हैं कि जो इक्का दुक्का एक्टिविटीज हो रही हैं जिनमें 100 लोग जान से चले गए, लेकिन अमेरिकन इंटरेस्ट जो हैं, अमेरिकन के हेजमोनिक इंटरेस्ट, वो उस तरह से थ्रेटन नहीं। अफगानिस्तान के बारे में भी तालिबान ने बाकायदा गारंटी दी है कि वो फेस्टर नहीं करने देंगे एक्सट्रीमिज्म को, और एक्सट्रीमिज्म को क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर होने में रुकावट करेंगे। ये एक चीज, अमेरिका का अब दूसरा फोकस ईरान है, लेकिन अब वो ईरान के लिए ही तो ये एक अलायंस है एक तरह से, ईरान को काउंटर करने के लिए यूएई, ईरान, क्योंकि यूएई भी ईरान का बहुत पक्का दुश्मन है, इसराइल भी, अमेरिका भी, और बिकॉज ऑफ हिस्ट्री अब इंडिया भी ईरान से दूर होता जा रहा है। अफगानिस्तान में रिजीम चेंज होने की वजह से ईरान और इंडिया करीब आए हैं और रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें अभी तक रहती। लेकिन मैं अभी आपको अमेरिका के तीन इंटरेस्ट बताता हूँ। दूसरी चीज है इसराइल की प्रोटेक्शन। इसराइल की प्रोटेक्शन अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद से अमेरिका बड़ी हद तक इस मामले में बेपरवाह हो गया है, या आप कह सकते हैं बेपरवाह नहीं कहना चाहिए, मुतमइन हो गया। बिकॉज सबसे ज्यादा पैसे देने वाले, सबसे ज्यादा वेल्दी कंट्रीज और इस तमाम रेजिस्टेंस को ड्राइव करने वाले ममालिक जो हैं वो थे गल्फ स्टेट्स, क्योंकि डॉलर्स और पेट्रो डॉलर्स तो इनके पास है। ये गल्फ स्टेट्स ईरान के थ्रेट को समझते हुए ये गल्फ स्टेट्स जाकर इसराइल के साथ हाथ मिला चुके हैं। सऊदी अरेबिया की जो है वो ऑफिशियल रिलेशंस नहीं है, फॉर्मल रिलेशंस नहीं है, लेकिन सऊदी अरब भी क्लोज तो है इसराइल के काफी हद तक। यूएई ने तो बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशंस कायम कर लिए हैं, और इंडिया और इसराइल के रिलेशंस 1992 ऑनवर्ड्स वैसे ही बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, और यहाँ तक कि 98 में कारगिल वॉर में पाकिस्तानी फोर्सेस की जो चेक पोस्ट में कब्जे थे उसकी तस्वीरें इसराइल ने इंडिया को दी। तो ये दूसरा इंटरेस्ट भी अब खत्म होता जा रहा है, क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड्स आ गए हैं, मोरक्को और बहरेन और यूएई और सूडान, इन लोगों ने तो फॉर्मल रिलेशंस कायम कर लिए हैं। बाकी स्टेट्स भी जैसे ओमान और सऊदी अरेबिया, इनके भी काफी बड़ी हद तक इनफॉर्मल क्लोज टाइज बन गए हैं। तो अब ईरान के ऊपर सैंक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग आ गई हैं, ईरान के अंदर अभी इकोनॉमी वीक है, और स्टिल अमेरिका ये समझता है कि ये ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमें लिमिट करना है, लेकिन ईरान एज अ मिलिट्री पावर इसराइल को कुछ नहीं कह सकता, और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर फोकस करने के लिए वो अब दोबारा से JCPOA जैसी एक रिजीम बनाना है। अब सबसे पहली चीज थी इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और उसमें भी पेट्रोल और ऑयल। दुनिया अब आहिस्ता आहिस्ता सस्टेनेबल फ्यूल की तरफ मूव करती जा रही है। ऑयल इंडस्ट्री जो है वो अभी तो खैर दोबारा से ऑयल प्राइसेस बहुत बूम कर गई हैं वर्ल्ड ओवर, बट स्टिल ऑयल इज नॉट द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर इज ऑल्टरनेट एनर्जी। ऑल्टरनेट एनर्जी इज सोलर, विंड, जियोथर्मल, इस तरह की चीज। तो इंडिया सॉरी अमेरिका का इंटरेस्ट इन मिडिल ईस्ट इस लिहाज से भी बहुत वीक हो रहा है कि अब उसको जरूरत नहीं है ऑयल की उतनी ज्यादा, या उसकी डिमांड फ्लेक्सिबल हो चुकी है ऑयल के लिए। और अब अमेरिका ये वैल्यूएट करता है कि लीबिया, इराक और फॉर दैट मैटर इवन कुवैत और सऊदी अरेबिया में भी जो सिक्योरिटी के नाम पे अमेरिका इतना खर्चा कर रहा है, अपने फौजियों को लगाया हुआ है, डिप्लॉय किया, आई थिंक इट इज दे से दैट इट्स नॉट वर्थ द कॉस्ट, जो बेनिफिट वो रीप कर रहे हैं। सो
ये तीन चीजें, इसकी वजह से अमेरिका अब अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को, अपनी फिजिकल प्रेजेंस को लिमिट कर रहा है इंटायर रीजन में। लेकिन एक रीजन ऐसा है जो कि अफ्रीका का है, जहां पे चाइना बहुत ज्यादा एक्टिव है। चाइना बल्कि कहां एक्टिव नहीं है, चाइना तो यूरोप में मॉन्टीनिग्रो और सर्बिया तक पहुंच चुका है और इटली को सीपैक में शामिल करने की बात कर रहा है। इसके साथ साथ चाइना जो है वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान हैं, इधर बहुत एक्टिव है। चाइना एक रशिया को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट एलाय बना चुका है और इस तरह के रशिया अब इज नाउ प्लेइंग सेकेंड फिडल टू चाइना। चाइना आजकल जो कह रहा है रशिया उस तरफ ज्यादा है। चाइना का सीपैक पूरे साउथ एशिया के अंदर एक्टिव है। चाइना मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताएं कि यूएई का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है, ठीक है जी। इसी तरह से चाइना अफ्रीका के अंदर जिबूटी का इलाका हो गया, इथियोपिया हो गया, यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। इस तरह आपको एक लास्ट इंटरेस्टिंग चीज हम बताएं और उसके बाद हम अपने लेक्चर को आगे कल भी कंटिन्यू करेंगे फॉर 15-20 मिनट्स टुमारो, और उसके बाद हम दोबारा से आ जाएंगे पाकिस्तान अफेयर्स में, पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स जो हम डिस्कस कर रहे थे, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के डेवलप का दौर हमने गुजार दिया था, तो कल उस लेक्चर को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन देखिए एक चीज आप लोगों ने अब नोट कर ली होगी, पिछले तीन से चार साल से पेपर पाक अफेयर्स का हिस्ट्री सेंट्रिक नहीं आ रहा, करंट अफेयर्स और एनालिसिस वाला। इसलिए मैंने बहुत सारी चीजों को आज कवर करने की कोशिश की है और आप लोगों को एक तरह से आई वुड से मजबूर किया है कि आप लोग एक तो अपने राइटिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करें कि आप क्या लिख रहे हैं, अपनी राइटिंग हैबिट को डेवलप करें और साथ साथ अब आप चीजों को एक्सप्लोर करें बियॉन्ड व्हाट इज टोल्ड इन टू यू इन स्लाइड्स। आखिरी चीज ये मैं आपको बता रहा था कि इसराइल का एक फेमस पोर्ट है हाइफा। अब वो हाइफा का पोर्ट जो है वो इसराइल के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि वो डिफेंस, इसराइल की जो नेवी है उसके लिए भी अहम है और बड़ा हिस्टोरिक पोर्ट है। मगर इसके साथ साथ अब वहां पर इसराइल की प्रोटेक्शन के लिए अमेरिका का जो सिक्स्थ नेवल फ्लीट है वो भी वहीं मौजूद है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि चाइना ने वहां पर एक नेवल डेक होता है ना, जहाँ अर्शा जहाँ पे जाके जो है वो जहाज लंगर अंदाज होते हैं, वो चाइना को उन्होंने आउटसोर्स कर दिया, बेच दिया इसराइल ने, वैसे लीज दे दिया। अमेरिका तो बहुत ज्यादा फ्यूरियस था इस बात पे कि आप ये चाइना हमारी जो है वो सर्वेलेंस कर सकते हैं, हमारा इतना अहम फ्लीट, हमारी टेक्नोलॉजी एंड एनीथिंग, बट इसराइल सेज दैट हमारी डील हो गई है, वी आर गेटिंग ऑफर फ्रॉम अ वेरी वी आर गेटिंग अ बिग ऑफर फ्रॉम चाइना, व्हाई शुड वी नॉट लेट देम। और अमेरिका अब अपने सबसे बड़े इत्तेहादी, आई थिंक इसराइल से बड़ा अमेरिका इत्तेहादी है, उससे भी थोड़ा सा नाराज हो रहा है, ठीक है जी। सो दैट्स व्हाई अब एक और अलायंस बन रहा है, जो कि मैं ये नहीं कह रहा कि एंटी चाइना अलायंस है, लेकिन वो अमरीका वगैरह को करीब कर रहा है एक दूसरे से, अमरीका, इसराइल, इंडिया और यूएई को करीब कर। इसमें सबसे अहम चीज यूएई और इसराइल का एक साथ बैठना है इतना ओपनली। इस बारे में इसराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका नाम याईर लापेज है, इसके अलावा शिव सुब्रमण्यम जयशंकर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिनका नाम एंटनी ब्लिंकन है, और आई थिंक यूएई के फॉरेन मिनिस्टर का नाम, I'm unable to relate, so they have virtually met। और अब जो इसराइल के वजीर खारजा हैं याईर लापेज, वो फरमाते हैं कि दिस इज द लाइन एंड अमेरिका हैज द मिलिट्री माइट, यानी मिलिट्री पावर, यूएई हैज द कैपिटल, इसराइल हैज टेक्नोलॉजी एंड इंडिया हैज मैन पावर। ये चार चीजें मिलकर इस अलायंस को अनडिफीटेबल बना दी, एंड दैट इज अब वो अनडिफीटेबल किसके अगेंस्ट बनाना है, दिस इज एन एरिया वी नीड टू एक्सप्लोर। बट इसमें पाकिस्तान के लिए थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज क्या हैं,
वो हम इसको कल कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, बिकॉज आज जुमा है. सो आई एम गेटिंग nudged that we should not exceed the limit of the class today. We'll start at, I think most likely कल हम 10 बजे अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे ताकि हम इसको 11:30 तक कवर कर लें. I'll let you know. Thank you very much, everyone. If there is any question now, please raise your hand. No question. Thank you very much, everyone. See you tomorrow.